गाइस फाइनली लैंडेड इन काबुल एयरपोर्ट। भाई ये वही रनवे है जहाँ के आप लोगों ने सारे सीन्स देखे थे। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं और ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बट यहाँ पे हर जगह आपको ये देख सकते हो भाई आप लोग, वो है तालिबान का झंडा जो सफ़ेद वाला, जो आप लोग को मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग और हर जगह यहाँ पे आप लोग को तालिबान देखने को मिल जाएंगे। लास्ट ईयर ये काफ़ी कॉमन नहीं था, हर जगह नहीं दिखते थे, बट अभी फ़िलहाल ओपनली हर जगह देखने को मिल जाएंगे। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जहाँ पर पिछले 40 साल से वॉर चल रही है। फाइटर्स जिन्होंने लास्ट 20 साल तक गवर्नमेंट के साथ वॉर लड़ा, अभी वही गवर्नमेंट है। Afghans are thronging to Kabul's airport, desperate to get on planes and leave the country. But even here, Afghans managed to push through. बट रिसेंटली जब मैंने कुछ टूरिस्ट को देखा अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद, और पता चला कि अफगानिस्तान में ट्रैवल करना पॉसिबल है, आई वॉज क्यूरियस टू सी कि कैसा है अफगानिस्तान अभी। कैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि यार मैं भागते भागते फ्लाइट पकड़ रहा हूँ और आई थिंक ऑलमोस्ट मिस होने ही वाली थी यार, भाग भाग के इतना कभी मैंने भागा, मैंने इतना ट्रैवल कर लिया मैंने। बट फिलहाल गाइस बोर्ड कर रहे हम लोग वन एंड ओनली काबुल के लिए। यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। कुछ अराउंड एक साल पहले गया था मैं तालिबान के आने से पहले काबुल, और अभी फिर से जा रहा हूँ। यार भागना पड़ेगा, फ्लाइट मिस होने वाली है मेरी। बोर्डिंग फॉर इस्लामिक एमीरेट ऑफ अफगानिस्तान काबुल। यार नर्व्स अलग ही लेवल के हो रहे हैं अभी, सही बता रहा हूँ। हाय गाइस, तो फाइनली बोर्डेड फॉर काबुल और मुझे भाई इतनी बेकार सीट मिली है ना यार, लाइफ में कभी ये सीट नहीं मिलनी चाहिए जो आपके बगल में ऐसा विंडो मिले आपको, ठीक है। बट काफ़ी अजीब सा इमिग्रेशन था। इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ रहे थे कि क्यों जा रहे हो, मतलब घूमने के लिए, मतलब क्या रीज़न के जा रहे हो यार, काफ़ी सारे सवाल कर रहे उन्होंने। और जायज़ भी है यार, क्योंकि आई थिंक नॉर्मल नहीं है ये कि कोई टूरिस्ट भी जाए अफगानिस्तान जाए, स्पेशली तालिबान के आने के बाद। बट मेरे फ्रेंड एक्चुअली काबुल एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं मेरा, और होपफुली सब कुछ बढ़िया हो यार। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी नर्वस भी हूँ और थोड़ा डर कम लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि माहौल कैसा है, इसके लास्ट टाइम भी आया हूँ मैं। होपफुली मुझे वो एक्चुअली सही बताऊँ तो मैं लाइफ में पता नहीं था कि मैं फिर से भी कभी अफगानिस्तान जाऊँगा। मेरा ऐसा था कि लास्ट टाइम जा रहा हूँ, उसके बाद शायद मतलब कभी जाने का मौका नहीं मिलेगा। बट यार सही बता रहा हूँ, मैं बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस होने वाला है वाला। फ्लाइट के वॉशरूम में, सही बताओ तो बाहर एक्चुअली आवाज़ काफ़ी आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आया जिससे कि मैं बात कर सकूँ आप लोगों से। सही बताऊँ तो गाइस काफ़ी मिक्स्ड मतलब दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले गया था मैं और एक साल पहले काफ़ी अलग माहौल था, इस अभी जब जा रहा हूँ काफ़ी अलग माहौल है। अभी मैं जब तक काबुल एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करता तब तक आई थिंक मेरे दिमाग में चलते रहेंगे, जब तक मैं मेरे दोस्त से पर्सनली नहीं मिलता और जब तक मैं खुद काबुल नहीं देखता, क्योंकि थॉट्स चल रहे हैं जो तालिबान के टाइम में हुआ था, जो वीडियोस वायरल हुई थी जो हम सभी ने देखा था, वो अभी दिमाग में आ रही है। इस फाइनली लैंडेड इन काबुल एयरपोर्ट। भाई ये वही रनवे है जहाँ के आप लोगों ने सारे सीन्स देखे थे, यहीं पे हुआ था भाई सब कुछ जितना भी एक साल पहले थे अगर बताऊँ तो। वेलकम टू काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गाइस। आज तो अभी इमिग्रेशन कम्प्लीट हुई है और इमिग्रेशन एकदम क्लियर, एकदम कोई भी इश्यूज़ नहीं हुए, कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा, बस ऐसे अलाउ कर दिया। बट फिलहाल अभी ये काबुल एयरपोर्ट देख सकते हो यार, इतना क्लीन एयरपोर्ट है सही बताऊँ तो। लास्ट ईयर जो भी कुछ हम लोगों ने देखा था, और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्योंकि काफ़ी सारे रेफ्यूज निकल रहे थे, बट अभी लग ही नहीं रहा कि कुछ ऐसा हादसा हुआ भी था। यहाँ पर पूरा एकदम क्लीन है और पूरा एकदम क्या बताऊँ एकदम। मेरे भाई कैसे हो? मेरे भाई
कैसे हो? ठीक ठाक? सब ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, ठीक हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया। मीर भाई, ठीक बोल रहा हूँ मैं? ठीक बोल रही है। हाँ, तो इन भाई को उर्दू भी आती है। यार सही बताऊँ तो लास्ट ईयर था मैं कुछ अराउंड मार्च या फिर अप्रैल के टाइम पे, और यहाँ पे अफगानिस्तान जैसे आप लैंड करते हो यहाँ की खुशबू है यार जो मैं आपको समझा नहीं सकता, बट वही चीज़ मेरे को स्मेल आ रही है अभी अफगानिस्तान की। यार बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही सुंदर लोग हैं, और मेरे साथ निर्वेश भाई है जो मुझे फ़िलहाल हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल काबुल में। बट बहुत कुछ है यार दिखाने के लिए यहाँ पे इनके कल्चर के बारे में, और काफ़ी कुछ गो थ्रू करा है अफगानिस्तान ने लास्ट के 20 ईयर्स ऑफ वॉर। सभी को पता है जी यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ है। और जैसे ही मैं आया यहाँ पे, भाई ने मुझे यहाँ पे अफगानिस्तान में बहुत ही फेमस एनर्जी ड्रिंक दिया, बहुत पिया था लास्ट टाइम जब मैं था यहाँ पे। और यहाँ पे अफगानिस्तान में एनर्जी ड्रिंक बहुत पसंद करते हैं, और देख सकते हो भाई ये सारे तालिबान यहाँ पे हर जगह, भाई यहाँ पे तालिबान ही है। लास्ट ईयर कभी मैंने फेस टू फेस इंटरेक्शन भी बीच में तालिबान के साथ, बट यहाँ पे हर जगह आपको ये देख सकते हो भाई आप लोग वो है तालिबान का झंडा जो सफ़ेद वाला जो आप लोग को मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। Can't believe guys, I'm finally back to Afghanistan. ये कौन सा एरिया है मीरवेज भाई? ये एयरपोर्ट का एरिया, एयरपोर्ट का एरिया। अच्छा मीरवेज भाई, अभी कितना सेफ है अफगानिस्तान? अफगानिस्तान तो बहुत ज्यादा सेफ है, अभी कोई इशू नहीं है। हर जगह घूमने फिर से जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। रात भी आप अगर आपका दिल करे कोई इशू नहीं है, मगर 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद थोड़ा सा इसलिए रश हो जाएगा। 4 बजे से पहले आप अंदर चले जाओ, घर चले जाओ तो आप बोल रहे हो क्योंकि लाइट नहीं है सब जगह इसलिए। और आप बोल रहे हो एक साल पहले ज्यादा अनसेफ था, अभी ज्यादा सेफ है? अभी तो बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा। पहले तो आप घूमने फिरने कभी नहीं जा सकते थे। सही बात है, अभी तो कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह हर जगह। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई ये तालिबान का झंडा है ना? ये बिल्कुल यार फर्स्ट इम्प्रेशन बताऊँ अगर काबुल का तो लास्ट ईयर तो यार जब मैं आया था इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी हर जगह लोग मतलब मुझे दिख रहे थे सिक्योरिटी वाले, और इस साल बहुत ही ओपन है यार, काबुल पूरा खुल चुका है। लग ही नहीं रहा कि मतलब कि मैं काबुल में आया हूँ ना। लास्ट टाइम इतना इंटेंस था काबुल क्योंकि काबुल में इतनी सिक्योरिटी थी। बट अभी तो यार कुछ काफ़ी ओपन लग रहा है यार। आई थिंक जब एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तब आई थिंक ज़्यादा और समझ आएगा कि क्या चीज़ हो रही है अभी फ़िलहाल अब काबुल में। बट सही बताऊँ तो लास्ट ईयर और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है मेरे को। अभी तो नॉर्मल सा ही लग रहा है मेरे को, बहुत ही ओपन और चिल लग रहा है मेरे को माहौल यहाँ पे। यहाँ पे लोकल लोग यार, इनके लोकल कपड़े हैं ये, और हर जगह यहाँ पे आप लोगों को तालिबान देखने को मिल जाएंगे। लास्ट ईयर ये काफ़ी कॉमन नहीं था, हर जगह तालिबान दिख जाते थे बट हर जगह नहीं दिखते थे, बट अभी फ़िलहाल ओपनली हर जगह देखने को मिल जाएंगे आपको। तो भाई जहाँ पीछे एक गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में फिलहाल रुके हुए हम लोग काबुल में। कौन सा एरिया मीरवेज भाई? ये शहर नाव है, न्यू सिटी। तो शहर नाव ये जगह का नाम है, इसके पहले भी शायद ये एरियाज में आया था एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत याद आ रहा है मेरे को। बट फिलहाल अभी मेरे को भाई लेके जा रहे हैं यहाँ पे, शायद मनी एक्सचेंज करवाने या फिर ATM वगैरह चेक करने जा रहे हैं कि यहाँ पे काम करता है कि नहीं। इसके पहले काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि नहीं करता काम, और इसीलिए मैं डॉलर्स लाया भी हूँ, बट ट्राई करते हैं कि यहाँ पे ATM काम करता है कि नहीं। अगर काम करता हो तो फिर थोड़ा कैश निकाल लेंगे और सिम वगैरह ले लेते हैं आज। बाकी का आज तो मेरे कपड़े बदले नहीं हैं, शर्ट पैंट में घूम रहा हूँ मैं, बट आई थिंक कल से ब्लेंड इन करेंगे यहाँ के लोकल जो अटायर होते हैं। तो ये पहनेंगे हम लोग कल से, और कल से लोकल अफगानी बन के ट्रैवल करेंगे यार। और ये भाई यहाँ पर पूरा माहौल यार, दिस इज़ क्रेजी गाइस। अफगानिस्तान यार, यहाँ के लोग वन ऑफ द फेवरेट इन द वर्ल्ड है मेरे, प्रॉब्ली बेस्ट फूड, बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जो आई थिंक फॉर श्योर आप लोग भी अभी ऑब्जर्व करोगे, आप लोग भी एक्सपीरियंस करोगे। बाकी गाइस, लास्ट टाइम जब मैं आया था काबुल में मुझे तालिबान को देख के इतना डर लगता था कि यार भाई तालिबान गुजर रहे हैं मेरे आसपास से, बट फिलहाल यहाँ पे हर जगह मेरे भाई तालिबान है और सब कुछ नॉर्मल है यार यहाँ पे। ये लोग क्या कर रहे हैं भाईजान?
ये लोग हशीश कर रहे हैं लोग यहाँ पे। ओके तो ये लोग होमलेस पीपल है शायद ना। होमलेस पीपल। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं, और ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पूरे काबुल में। आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी लोग हैं सारे एडिक्टेड लोग होते हैं यहाँ पे ये लोग। और देख सकते हो ऐसे बैठ के ये लोग यहाँ पे स्मोक करते हैं चीज़ें, जो भी उनके चीज़ें हैं जो करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, जैसे जब मैं आ रहा था आज इंडिया से अफगानिस्तान, इतना ज़्यादा डरा हुआ था मैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं तो सोच रहा था कि यार सब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा और मैं ओपनली घूम भी नहीं पाऊँगा। बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे काफ़ी बढ़िया माहौल लग रहा है यार, और आई थिंक काफ़ी बेटर माहौल है अभी पहले से। सेफ्टी के मामले में बताऊँ तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को मेरे वीडियोज़ में बताना शुरू करूँगा। बट सेफ्टी के मामले में आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बेटर लगा मेरे को इस बार, फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं बोलूँ आपको। कुछ यहाँ पे छोले बेच रहे हैं, क्या है ये? ये चने है। चना जी। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चना बेच रहे हैं यहाँ पे, और आई थिंक कुछ यहाँ पे मिर्च मसाला डाल के शायद कुछ ये लोग बेच रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लोकल यहाँ पे नान बोलोनी यस, तो इसको यहाँ पे बोलोनी बोलते हैं। इसके अंदर शायद आलू डालते हैं और आलू डाल के यहाँ पे ये सेल करते हैं, काफ़ी बढ़िया होता है टेस्ट में। ये सारा अफगानिस्तान का लोकल फूड। यहाँ पे तरबूज बेच रहे हैं आई थिंक। अभी यहाँ पे अनार का सीजन है ना। अनार अभी नहीं है, बट अगर मैं आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पे अफगानिस्तान इज़ नोन फॉर द बेस्ट प्रोमोग्रेनेट इन द एंटायर वर्ल्ड। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रोमोग्रेनेट का जूस मिलता है, जो ट्राई करेंगे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली का मिल जाए तो ज़रूर दिखाऊँगा आपको। यहाँ पे माहौल देखते हो, भी देख सकते हो भाई यहाँ पे सारे बच्चे। ओ भाई इसके नाक से खून आ रहा था यार। सलाम वालेकुम। तो ये आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा काबुल में जब आप ट्रैवल करोगे, स्पेशली अभी के टाइम पे काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो रस्ते में आपको पैसे मांगते हैं। अभी हमने यहाँ पे कैश एक्सचेंज करवाया, कुछ $100 कुछ अराउंड 8,700 कुछ मिला हमको अफगानी। आई थिंक काफ़ी सिमिलर है अफगानी इंडियन रुपीज़ में अगर कंपेयर करेंगे तो, कन्वर्जन सिमिलर सा ही कन्वर्जन है यहाँ पे। तो अभी मीरवाइज भाई हम लोग जा रहे हैं कबाब खाने के लिए। कबाब इधर एक फेमस है, कुंदुस कबाब बोलते हैं एक जगह है, वो अच्छा बहुत फेमस है। अफगानिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ कबाब्स गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता। कबाब्स और काबुली पुलाव यहाँ पे काफ़ी खाते हैं, बहुत ही बढ़िया खाना होता है यहाँ पे, तो जाकर ट्राई करते हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी डिलीशियस खाना होता है गाइस यहाँ पे अफगानिस्तान में। किस तरह कबाब है ये देख, ये देख सकते हो भाई यहाँ पे कबाब जो यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे। और ये भाई यहाँ पे अफगानिस्तान में माहौल, सही बताऊँ तो लास्ट ईयर जब मैं आया था तब मेरे को इतना डर लग रहा था ना पहले दिन रिकॉर्ड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इतना डर लग रहा था कि क्या भाई मेरे को कोई तालिबान वगैरह देख ना ले और कुछ दिक्कत ना हो जाए। बट फिलहाल अभी तो यार सब कुछ इतना चिल है, लोग हाई हेलो कर रहे हैं और हर जगह ही है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे तालिबान हर जगह देख सकते हो आप लोग, और कुछ इशू नहीं है उनको। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपने काम कर रहे हैं। अंटिल अनलेस आप यहाँ पे अफगानिस्तान जो इस्लामिक अमीरेट है उनके रूल्स फॉलो कर रहे हो तब तक बहुत बढ़िया है। और देख सकते हो अस्सलाम वालेकुम, ये चीज़ आपको काफ़ी देखने को मिलेगा यहाँ पे। बच्चे फॉलो करते हैं यार थोड़ा बहुत, कभी कभार थोड़ा बहुत थोड़ा अजीब हो जाता है। बच्चों को मैं यूजली प्रेफर नहीं करता पैसे देना। और ये भाई यहाँ पे अफगानिस्तान काबुल का ट्रैफिक, और अभी हम एंटर कर रहे हैं भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट में कबाब ट्राई करने के लिए। जब आप काबुल में खाना खाने के लिए आते हो कोई भी लोकल रेस्टोरेंट में, तो ऐसे नीचे बैठते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे टेबल लगा होता है। और फिलहाल यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, इसको मीरवाइज भाई बोलते हैं कबाब। अच्छा बस कबाब ही बोलते हो आप लोग यहाँ पे? कौन सा? कुंदुस कबाब। अच्छा इसको कुंदुस कबाब बोलते हैं। और ये क्या है मीरवाइज भाई? ये मिर्ची है।
मिर्ची। अच्छा मिर्च है, ये ग्रेप से होती है, ये मिर्ची होती है। अच्छा स्पाइसेस है मतलब ये। हाँ और ये क्या है मिर्वेज भाई? ये मैंने ट्राई नहीं करा इसके पहले। रायता? अच्छा तो ये रायता बोल रहे हैं। मिल जाएगा। हाँ 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 मिल जाता है, मिल जाता है। तो ये रायता है, कबाब है, और ये है अफगानी रोटी। अफगानी रोटी यही है। तो गाइस देख लो ऐसा होता है भाई, अफगानी रोटी। नान बोलते हो आप लोग? जी। हाँ ये था गाइस मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ काबुल अफगानिस्तान। यार सही बताऊँ तो लास्ट ईयर जब मैं आया था यहाँ पे, आई थिंक तालिबान रिजीम से पहले, वो टाइम पे अफगानिस्तान और अभी का अफगानिस्तान में, जैसे मैंने वीडियो में कहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आया था तब अफगानिस्तान वॉज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, तब वहाँ पे यार काफ़ी सारे सिविल टेंशन चल रहे थे, तालिबान और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी सारे टेंशन चल रहे थे, और काबुल जो था वो गवर्नमेंट के रूल में था, और वो टाइम पे तालिबान के काफ़ी सारे प्रोविंसेस थे जो तालिबान ने कैप्चर कर लिए थे, बट काबुल नहीं कैप्चर कर पाया था तालिबान ने। बट कुछ अराउंड मेरे जाने के बाद, कुछ अराउंड 4 से 5 महीने के बाद ही फिर काबुल वॉज बीन टेकन बाई तालिबान, और पूरा अफगानिस्तान वॉज बीन टेकन बाई तालिबान। बट जो स्टेट लास्ट के कुछ 30 से 40 साल अफगानिस्तान में था, जो सिचुएशन थी 30 साल तक, वो अभी अफगानिस्तान में नहीं है। अभी ऐसा बोलना गलत होगा कि अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स नहीं है, भले ही अभी अफगानिस्तान काफ़ी सेफ है एज ए ट्रैवलर ट्रैवल करना, बट इकोनॉमिकली अफगानिस्तान इज़ गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज, जैसे मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा। बट देर इज सो मच टू सी इन करंट तालिबान रूल अफगानिस्तान गाइस, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आया था तब काफ़ी सारे प्रोविंसेस जहाँ पर सरकार नहीं थी, जहाँ पर तालिबान रूल कर रही थी, वहाँ पर जाना काफ़ी अनसेफ था। बट अभी फ़िलहाल क्योंकि हर जगह ही तालिबान है, तो हम कहीं पर भी ओपनली घूम सकते हैं, एंड सिक्योरिटी वाइज इट्स मोर सेफर दैन बिफोर। तो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना व्यूज़ कि आपको कैसा लगा, और शेयर करना गाइज, एंड खुश रहिए, अपने आसपास के लोग खुश करिए, एंड आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम वेरी डिफरेंट एडवेंचर फ्रॉम अफगानिस्तान अंडर तालिबान। एनी वेज खुश रहिए, अपने आसपास के लोग खुश करिए, एंड आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो।